विधायक हैं और वो अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर रही हैं। वहीं यूपी में जहां मजदूरों के नाम पर पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, वहीं मुंबई में लगातार मजदूरों के माइंड से खेलने की साजिश चल रही है। मुंबई में आज भी अव्वा गैंग एक्टिव होने वाला था। मुंबई के साकीनाका पुलिस स्टेशन में आज फिर मजदूरों की भीड़ इकट्ठा हो गई, अव्वा फिर फैल गई। पुलिस थाने में घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यह अव्वा फैलाई गई, लिहाजा मजदूर थाने में पहुंच गए। मजदूर घर जाने की मांग कर रहे थे। इस बीच पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले शख्स को हिरासत में लिया। पुलिस ने लोगों को समझाया, अभी कोई ट्रेन नहीं जा रही, आप इसके चक्कर में मत पड़िए, जब ट्रेन जाएगी तब मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होगा। ये वो तस्वीर है कि कैसे लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। और कल आपको याद होगा इंडिया टीवी ने आपको दिखाया था कि कैसे बांद्रा में हजारों की भीड़ पहुंच गई थी ऐसी एक अफवाह पर कि वहां पहुंच जाओ, वहां ट्रेन जा रही है, आपका नंबर आ गया है, आप आ जाओ। और अब आज देखिए ये अफवाह उड़ गई कि ट्रेन जाने वाली है, पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बॉम्ब के बारे में आपको जितनी जानकारी दी जाए प्लीज आप कोऑपरेट करो। अभी ऐसे लोग इसके पास देखो एक बार, पुलिस यहाँ दिन रात काम कर रही है लेकिन इनको कोऑपरेट नहीं करना है, गलत अफवाह है, इनको ये करनी है, बतानी है 22 तारीख को ट्रेन जा रहा है, इनका हुआ मेरा नहीं हुआ, ऐसे लोगों से सावधान रहो। पुलिस प्रशासन आपके हर एक काम के लिए ड्यूटी है, उनसे सहयोग करो। तो नए फॉर्म के लिए मैं आपको वापिस बता रहा हूं, 2 दिन के बाद आपको नए फॉर्म जमा किए जाएंगे। इंडिया टीवी भी आपसे बार बार यही कह रहा है कि अफवाहों से इस वक्त बचिए। पकड़े जाने के बाद अफवाह फैलाने वाला सफाई देने लगा। इंडिया टीवी के रिपोर्टर राजीव सिंह ने अफवाह के पीछे की वजह की पूरी पड़ताल की। मुंबई के साकीनाका इलाके में एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है, अफवाह फैला रहे थे लोगों के बीच में। आप देखिए ये वो शख्स है जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। यहाँ पर उस शख्स को पुलिस पकड़ कर लाई है, उनके चेहरे पर रुमाल बंधा हुआ है, ट्रेन चलने की अफवाह फैला रहे थे, इनको पुलिस ने पकड़ा है। यहाँ पर पुलिस अनाउंसमेंट भी कर रही है, ये बताए आप ट्रेनों को लेकर क्या जानकारी दे रहे थे? सर हमने आया था, हमारे यहाँ कल कॉल आया था, हमने आया था यहाँ पता करने के लिए कि सर कहते कॉल आया था तो हमको मेरा टोकन नंबर इतना है तो फिर हमको भी बता दो, सामने वाले को बता देते हैं यहाँ पे एक लोग को, तो बोला सर हमको भी बता दो, तो सर उन्होंने हमको कहते कुछ बोले नहीं, बोले कि तुम रुको रुको, तो बोला सर आप उनको बताओ मुझे भी बता दो, उतने के लिए सर वो सर को। लेकिन आपको जब जानकारी नहीं मिली तो लोगों को कैसे ऐसे जानकारी दे रहे हो कि ट्रेन जाने वाली है? ट्रेन के बारे में सर हमारी कोई बात उनसे हुई नहीं, मैंने खाली इतना। पुलिस ने क्यों पकड़ा? पुलिस ने हमको इसलिए पकड़ा कि मैं वो किसी और को बता रहे थे तो मैं उनसे बात कर रहा कि आप उनको बता रहे तो मुझे भी बता दो, इसीलिए सर ये इनको पुलिस ने पकड़ा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए पुलिस अनाउंसमेंट भी कर रही है, जानकारी दे रही है लोगों को। सर ये जिस शख्स आपसे जानना चाहेंगे आप क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं, एक शख्स को आपने पकड़ा जो ट्रेनों को लेकर गलत जानकारी दे रहे थे, क्या जानकारी दे रहे? वो फैला रहे थे कि अभी कल ट्रेन है, परसों ट्रेन है, हालांकि ऊपर से ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है, जैसे ही ट्रेन अरेंजमेंट होता है हम लोग पहले अनाउंस करके जितने भी पैसेंजर उनको इत्तला करते हैं उनके फोन नंबर पे कॉन्टेक्ट करके, लेकिन वो जो बंदा था वो ऐसे ही दूसरे लोगों को जो जानकार लोग नहीं है, मजदूर बेचारे गरीब लोग है, उनमें अफवाह फैला रहा है कि आज ट्रेन है कल ट्रेन है, मतलब उनको गुमराह कर रहा है। अब आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि अफवाह पर विश्वास ना करें, कल ऐसी बांद्रा में घटना हुई थी और हजारों लोग इकट्ठा हुए। एग्जैक्टली राइट वैसे ही हम लोग सबको जागरूक कर रहे हैं। अब ये मजदूर लोग हैं, इनको थोड़ा समझाने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, लेकिन हम समझाएंगे, हमारा काम है, उनकी सेवा में हम लोग हैं, वो हमारी सेवा में पूरी तरह से हम जिम्मेदारी से करेंगे।